स्वागत है आपका एक नए और शानदार वीडियोस में। मैं हूं हरिओम और आप देख रहे हैं हरिओम के वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो लगभग ग्राफ्टेड है, दो पौधे से मिलकर इसको बनाया गया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पोमेटो के बारे में। एक ऐसा पौधा है जिसमें जिसका नीचे वाला हिस्सा तो होता है आलू का और ऊपर वाला हिस्सा इसका होता है टमाटर का। इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी जानने वाले हैं। आपको साइड में एक वीडियो नज़र आ रही होगी, आप इसको कैसे ग्राफ्ट कर सकते हो इसमें ऐसा दिखाया है। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। अगर आपको देखना है कैसे क्या ग्राफ्टिंग कैसे होती है, आपको नहीं पता है, तो आप इस वीडियो की लिंक के थ्रू आप देख सकते हो। चलिए हम बात कर लेते हैं इस पौधे के बारे में, इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में। तो इस पौधे के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। इसको लगभग जो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, टाउन में वगैरह में, जो कहाँ पर भी, वो लोग इस पौधे को ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप ये पौधे को घर पर भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहता है अगर आपको एक ही पौधे में आपको दो फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो दो सब्जी आपको एक ही पौधे मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। तो शायद मेरे को लगता है कि वीडियो आपके लिए शायद इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। जैसे इस वाले पौधे का यूज़ है, पहले तो लगभग ऐसे गमले में यूज़ करने के लिए इसको रखते थे, बट जो अभी जो आप देख सकते हो आज के जो युग में इसकी खेती भी हो रही है, ऐसा नहीं है। इससे लगभग 7 से 8 किलो तक टमाटर मिल जाते हैं एक पौधे से, और लगभग 3 से 4 किलो आपको इससे आलू अवेलेबल हो जाते हैं। तो काफ़ी इसको आप खेती बाड़ी के लिए भी इस पौधे का यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी बिजनेस लाइन में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये, क्योंकि इसमें और इसका ऐसा नहीं है कि आपको जो इसका फीचर्स हैं, मतलब आलू और टमाटर के जो विटामिन वगैरह में कोई भी कमी नहीं रहती, बाकी जो सब कुछ A to Z सेम है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है ये। मेरे को लगता है कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए शायद इन्फॉर्मेटिव है। थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी कर देना नीचे जाके, जो भी है। चलो वो सब हम बाद में करते हैं बाद। तो ये वाला पौधा शायद आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, आप भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। चैट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कहाँ से, मतलब अभी तक आपको इसके बारे में पता भी था या नहीं पता था। अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जो भी आपका फीडबैक है आप चैट सेक्शन में जाके ज़रूर दें कि आपका कैसा फीडबैक रहा है इस वीडियो को देख के। और अगर आपको ये वीडियो आप जो ये वीडियो देख रहे हो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, ज़रा सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करने का, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक करिएगा, जिससे मतलब हमारा एक ही मोटिवेशन होता है वीडियो को लेके कि, तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। लेता हूँ वीडियो में आपसे यहीं पर विदाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग हरिओम के वीडियो।